दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का यारों का यार देव पवार। दोस्तों कहते हैं ना कि हर किसी का सपना होता है कि जिंदगी में पढ़ना लिखना और उसके बाद में कुछ एक काबिल इंसान बनना। और सपने हर किसी के पूरे नहीं होते हैं, लेकिन एक बात ये भी है, जिसे अगर ईश्वर ने चाहा तो कभी उसके सपने अधूरे भी नहीं होते हैं। तो आज मेरे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। ये वाराणसी से हैं और एक अच्छी बात है कि वो मेरे समाज से हैं, पवार समाज से। तो यहाँ बात सामाजिक बात तो नहीं है, और मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि वो मेहनत करके आज उन्होंने उस मुकाम को पाया है। मैं आज बात कर रहा हूँ गगन हनवत जी की। भैया नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने जो है इस चीज़ को आपने अचीव किया। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, ऐसा लग रहा है कि अब जाके सपना। मैं चाहूँगा हमारे क्या कैमरामैन भाई साहब को कि थोड़ा सा करीब आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो हमारे निम्मा राव जी जो है कैमरा चला रहे फिलहाल में। भैया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2020 में आपका चयन हुआ DSP, फोर्थ रैंक है आप। तो ये जो आपका एक बचपन से अगर हम बात करें, देखिए पहले अपनी फैमिली बारे में बताएं आप। मेरे पिता जो है वे एक शासकीय शिक्षक है, इसके साथ साथ वे एक समाज सेवी भी है। अच्छा। मेरी माता जो है वो एक फिटनेस सेंटर संचालिका है और साथ साथ में गृहिणी भी है। फिटनेस सेंटर जी। अच्छा, सामने जो बोर्ड लगा हुआ जी अपने अपना। देखिए तो ये जो बचपन में कितने भाई बहन है? बड़ी दीदी है जो कि अभी एक फैशन डिजाइनर है बेंगलोर में, वो एक फर्म में काम करती है। दीदी जो है फैशन डिजाइनर है और भैया का जो एकदम विपरीत है, क्योंकि इनका तो पहले से मन था, बॉडी थोड़ी देख सकते हैं आप दोनों सोले, क्योंकि मम्मी जो है फिटनेस को कवर करती हैं। सिंपल सी बात है कि बच्चों का फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है अब आपका चयन हो गया है, फीलिंग भी बहुत अच्छी है, मिलने वाले भी रोजगार भी बहुत आ रहे होंगे, नेता मंत्री के फोन आ रहे होंगे, तो उस समय एक लगता है ना कि हमने कुछ अलग किया है। अपने लिए तो नहीं, लेकिन अपने माता पिता के लिए लगता है कि उनकी मेहनत जो थी वो सफल हुई, उनको जो प्राउड फील होता है वही देख के मैं खुश हो जाता हूँ। दोस्तों देखो बहुत बड़ी बात बोला इन्होंने। क्या होता है कि जो बच्चे पहले अपने माँ बाप को समझें कि भाई अगर हम अच्छा करेंगे तो जब चार लोग बैठे होंगे ना तो बोलते कि देखो वो जो है ना इनका जो बेटा है ना वो अभी DSP के लिए जो उनका चयन हुआ, एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये हमारे कान सुनने के लिए तरस जाते हैं। जैसे आज कहीं पर मैं जाता हूँ मान लो, तो बोलते हैं कि देखो ये जो है ना वो देव कुमार के पापा बैठे हुए हैं। तो होता ना कि आप अपने नाम से अपने माँ बाप जाने जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपने काम अच्छा किया। अब आपका चयन हो चुका है, अब इसके आगे तैयारी क्या है आपकी, क्या प्रोसेस है? इसके आगे अभी कॉल लेटर आएगा आयोग की तरफ से। हाँ। इसके तहत मुझे भोपाल जाना होगा, जहाँ भौरी में स्थित है ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ पे मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अच्छा। इसके पश्चात मुझे 3 महीने का प्रोविजन पीरियड रहेगा, तो मुझे एक थाना प्रदान किया जाएगा जिले के किसी भी तहसील में या जिला स्तर पे। 6 महीने का ट्रेनिंग है भी आप? 6 महीने की ट्रेनिंग भोपाल में, उसके पश्चात 3 महीने थाना। 3 महीने मुझे थाना, ताकि मैं वहाँ पे कार्यशैली सीख सकूँ पुलिस विभाग की। तो बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, सब मैं देखा हूँ, मैंने हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, मैं पवार समाज से हूँ और भैया भी जो पवार समाज से। तो क्या होता है ना कि जब आप जाएंगे तो सेवा का ही भाव है हमारा कुल मिलाकर, सेवा बहुत ज़रूरी है। तो सेवा का जो तरीका है आप वो ऐसा बेस्ट रखिएगा कि आपका परिवार का और समाज का नाम और अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हो। और जितने जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब उनको हल्का सा मोटिवेट अगर आप करना चाहें? किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के पहले ये याद रखें कि धैर्य मांगती है परीक्षा, धैर्य रखें, उसके साथ लगन के साथ कार्य करें, जिस चीज़ को पकड़े हैं एक नाव में सवारी करें, दो नाव की सवारी ना करें। दो नाव में सवारी करने वाला व्यक्ति प्रायः फिसल के नदी में गिर जाता है। हाँ। और एक ही नाव में रहें, तत्पर रहें, अपने लक्ष्य को अर्जुन जैसे चिड़िया की आँख को भेदता है, जो मछली की जो आँख जो भेदे, वही कार्य आपको करना है, सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अब देखो बात वहाँ पे आ रही दो नाव की, आप समझ सकते हैं अगर दो नाव पे सवारी करेंगे तो बीच से फटने का भी डर है। तो आपको पहले अपने एम को साधना कि आप वाकई में करना क्या चाहते हैं, टारगेट बना के चलिए। जैसे टारगेट किसी का पढ़ाई में होता है, उसे कुछ बनना है, किसी का कला के क्षेत्र में होता है, टारगेट के बिना आपका चलना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, टारगेट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप घर से निकले हैं, अब आपको क्लियर पहले यह करना है कि वाराणसी जाना है कि बालाघाट। बिल्कुल बिल्कुल, तब आप वाराणसी नहीं पहुंचेंगे, वरना आप कहीं भी जा सकते हैं, नहीं तो आप बीच में कायदी में भी रुक सकते हैं कहीं भी रुक सकते हैं आप, तो जस्ट फॉर फन। तो दोस्तों भैया से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई,
और जितने भी हमारे क्षेत्र में कुछ अच्छा करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ भैया कि मैं उनके पास जाऊँ, मिलूँ। मैंने भैया की फैमिली से मिला, बहुत प्यारी फैमिली भैया की। वो कहते हैं ना कि अगर फैमिली का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, और मैंने वो चीज़ आपके यहाँ पर देखा। उम्मीद है कि आप अपने मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार सभी की उम्मीदों का आप खड़े उतरे। बिल्कुल भैया, और आपके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, और अच्छी वीडियो बनाते हैं आप। थैंक यू सो मच। बालाघाट सिवनी दोनों जिलों को लेकर चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त करें कि आप भी बोले कि अरे ये मुझे क्या मिल गया। ईश्वर का आशीर्वाद है। बिल्कुल भैया, आज जैसे मान लो आपको चुना है ईश्वर ने, लाखों लोग रहते हैं और उस भीड़ में आपको एक को उठा करके इस पद पे आसीन करना। आज लाखों लोग हमारे भी हैं जो कि घूम रहे होते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं, और आज हमें ईश्वर ने इस काबिल बनाया है कि हम लोगों को हंसा सकते हैं, मुस्कान ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर कुछ लोगों को चुनता है, और आपको चुना है, हमको चुना है, आपको भी चुना है। बिल्कुल, तो अपने अपने दायित्व को निभाते हैं। तो चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आप भी अपने जिंदगी में कुछ अगर करना चाहते हैं, जज्बा है, जुनून है, तो निकल जाइए, सोचिए मत, लेकिन हाँ, सवारी दो नाव की नहीं करना। चलिए, आप सभी को जय राम जी की। जय राम।